के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे हमने क्वेश्चंस भी लिखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के जस्ट नीचे आप देखें तो हमने लिखा है क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए कंपनी स्ट्रेटेजी इज ए 5-stage मैनेजर प्रोसेस। कि जो हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं वो उसकी कितनी स्टेजेस हैं, 5 stages हैं। तो जो 5 stages हैं ये कहीं ना कहीं बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं किसी मॉड्यूल में आपको ये हेल्प करेंगी। तो इन स्टेजेस को हम शुरू करते हैं। इन स्टेजेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो रहता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही लिया गया है। जैसे आप देखें द टर्म्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजर प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी एंड सब्सिक्वेंटली इनिशिएटिंग वॉट एवर करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने 5 stages बोली हैं, जैसे आपका स्ट्रेटेजी, जैसे फर्स्ट आपका सेटिंग ए विजन एंड मिशन, सेकेंड जो है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटेजी। तो ये सारे जो ग्रीन ग्रीन वर्ड जैसे ऊपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग्स लिए गए हैं वही आपकी यहाँ पे 5 stages हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं। तो इन 5 stages को हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। 4th stage जो है इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, 5th and last stage है इवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो हम शुरुआत करते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस है अपना, जिसका नेम है, स्टेजेस का नाम है डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन। तो डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा कि सबसे पहले कि विज़न क्या होता है और विज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देखें तो जो स्ट्रेटेजिक विज़न है और स्ट्रेटेजिक विजन्स के जो फीचर्स होते हैं वो क्या हैं, वो सब चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो हमें लिखा है कि तो स्ट्रेटेजिक विज़न इज ए रोड मैप ऑफ कंपनी फीचर्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, जियोग्राफिक, प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यू एंड कैपेबिलिटीज इट्स प्लान टू डेवलप एंड काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। तो ये जो हमने ग्रीन वर्ड यहाँ पे लिए हैं, जैसे आपका टी से टेक्नोलॉजी हुआ, सी से कस्टमर फोकस रहा आपका, और जी से जियोग्राफिकल रहा, पी से प्रोडक्ट रहा, सी ए से कैपेबिलिटीज रहा, और के आई से काइंड ऑफ कंपनी रहा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने ऊपर स्ट्रेटेजिक विजन के ब्रैकेट्स में भी यहाँ लिखे थे। आप यहाँ पे देखें डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन वेयर द कंपनी नीड टू हेड इट्स फ्यूचर प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस शुड बी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक विजन है ये आपको ये कीवर्ड्स इनके ध्यान रखने हैं। स्ट्रेटेजिक विजन को हम किस तरीके से और समझ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर कुछ फीचर्स आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें विजन मस्ट बी अनएम्बिगुअस, विजन मस्ट बी क्लियर, विजन मस्ट बी हार्मोनाइज, विजन मस्ट बी रियलिस्टिक, विजन स्टेटमेंट शुड बी ईजियर टू मेमोराइज। तो यहाँ पे ये जो वर्ड बार बार आ रहे हैं आपका, सबसे पहले हमने लिखा एम बी को, देखो हमने बोल्ड किया है यहाँ पे, फिर हमने क्लियर को किया है, फिर हमने हार्मोनाइज में एच आर को किया है, और हमने रियलिस्टिक में रियल को किया है, और ईजियर में हमने ईजी को लिया है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट कोड बना सकते हैं कि हमें MBA क्लियर करना है तो HR M का मतलब मार्केटिंग, इन स्ट्रीम्स के लिए हम MBA करते हैं तो वो इजीली रियली रियली इजी है। तो ये जो यहाँ पे कीवर्ड हमने लिया है ये आपके विजन स्टेटमेंट्स के कुछ फीचर्स लिए हैं। MBA से अनएम्बिगुअस, क्लियर, HRM से HR एंड मार्केटिंग, और रियल से रियलिस्टिक्स, और इजी से इजियर। तो जो आपका विजन स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये फीचर होने जरूरी हैं। और यदि हम डिटेल में बात करते हैं तो विज़न को समझने से पहले हमें मिशन से कंपैरिजन उसका करना होगा कि मिशन क्या होता है, विज़न क्या होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रोसेस आपके बहुत सारे यूनिट्स और मॉड्यूल में आगे आने वाली है। यही प्रोसेस हम यहाँ पे 5 stages के
अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे हम बात करें अपना जो फर्स्ट चल रहा था सेटिंग विज़न, तो उसके अंदर हम विज़न को तो हमने पढ़ा, लेकिन विज़न को और अच्छे से समझने से पहले हमें उसे मिशन से डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि विज़न और मिशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो अल्फ़ाबेटिकल यदि हम देखें, यदि हम ABCD के हिसाब से देखें तो M पहले आएगा और जो V आएगा वो लास्ट में आएगा। तो हम अल्फ़ाबेटिकल M पहले आता है तो हम मिशन को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और जो V है वो बाद में आता है तो विज़न को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम वाला जो पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि जो विज़न और मिशन स्टेटमेंट होते हैं इनके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे जो आपका मिशन स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाना चाहता है उसका पाथ क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस जहाँ जाना चाहता है, जो चीज़ अचीव करना चाहता है, उसको अचीव करने का पाथ क्या है, वो क्या बताता है, मिशन स्टेटमेंट बताता है। तो मिशन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि हाउ यू विल गेट देयर वेयर यू वॉन्ट टू बी, हाउ यू विल गेट देयर वेयर यू वॉन्ट टू बी। हाउ यू विल गेट देयर का मतलब है कहाँ आप जाना चाहते हो और कैसे आप वहाँ पहुँचोगे। तो ये आपको कौन बताता है, मिशन स्टेटमेंट बताता है, जबकि विज़न स्टेटमेंट आपको ये बताता है आपका डेस्टिनेशन कि आपको कहाँ जाना है। तो आपका मिशन स्टेटमेंट एक पाथ रहा और विज़न स्टेटमेंट एक डेस्टिनेशन रहा। तो हम इस पॉइंट को कहाँ आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर्पस के अंदर। यहाँ पर हमने लिखा भी है मिशन स्टेटमेंट इज़ ए पाथ, वेयर विज़न स्टेटमेंट इज़ ए लाइक ए डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशंस को बताता है। तो ये जो अपना फर्स्ट स्टेज था सेटिंग ए विज़न, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि विजन्स के जो कीवर्ड हैं वो क्या थे, और विजन्स के अंदर जो फीचर्स थे वो क्या थे, मिशन और विज़न के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैंने एक बार दोबारा मैंने रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो विज़न होता है, विजन्स के जो कीवर्ड होते हैं उसके अंदर हम ये लेते हैं टी से टेक्नोलॉजी, सी से कस्टमर और जी से ज्योग्राफिक, पी से प्रोटेक्ट, टी से GP है ना, फिर सी ए से लेते हैं हम कैपेबिलिटीज़ और KI से लेते हैं हम काइंड ऑफ कंपनी लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो विज़न स्टेटमेंट के कुछ एडिशनल फीचर यदि हम पढ़ना चाहें तो उसका शॉर्ट क्या था, ये MB से अनएम्बिगुअस बना है और क्लियर है ही, और आपका HRM से HR मार्केटिंग बना है, और रियल से रियलिस्टिक बना है, और ईजी से ईजियर बना है। तो ये जो कीवर्ड्स थे आपको ध्यान रखने, और मिशन और विज़न का डिफरेंस भी यहाँ बताना है। तो यहाँ पे हमने पहली स्टेज पूरी कर ली है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में आते हैं तो सेकंड स्टेज जो है वो थी आपकी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें समझना होता है कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं और ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइन एज ए गोल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम बहुत सारे गोल्स को रखते हैं जिनको हमें एक टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना होता है। और ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट के अंदर S जो है वो स्पेसिफिक है, M का मीन्स मेजरेबल है, आपका A का मीन्स है अचीवेबल, R का मतलब है रिलीवेंट, और T का मतलब है टाइम बाउंड। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। और ये जो अपनी थर्ड स्टेज थी इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव हमें कैसे करना है, कि ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स की फीचर्स क्या होती है। जैसे कि हमने लास्ट जो स्टेज थी वहाँ विज़न होता क्या है, विजन्स की फीचर्स होती हैं वो क्या पढ़ी थी, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आपको ये जो स्पेसिफिक और मेजरेबल और अचीवेबल और रिलीवेंट और टाइम बाउंड समझना है तो इसके लिए हम फ्यूचर में डिटेल वीडियो आपको अपलोड करेंगे, आप वहाँ उसे देख सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जो है आपकी वो है क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड विज़न। जो हम थर्ड स्टेज के अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो पहली स्टेज थी सेटिंग आपका विज़न था, सेकंड जो था ऑब्जेक्टिव था, अब हमें उन्हें अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है। यहाँ पे क्राफ्टिंग का मतलब है फॉर्मुलेट करना है स्ट्रेटजी को, क्यों फॉर्मुलेट करना है, क्राफ्ट ए स्ट्रेटजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड विज़न।
तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज होती क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था, अब हम स्ट्रेटजी के टाइप्स पढ़ते हैं। स्ट्रेटजी के यदि हम टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेटजी के जो कॉमन टाइप है वो थ्री टाइप है, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे नोट पर लिखा भी हुआ है कि यदि सिंगल लाइन बिजनेस है तो ये तीन स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी, लेकिन यदि आपका एंटरप्राइजेज जो है आपका वो सिंगल बिजनेस के अलावा मल्टीपल बिजनेस के अंदर डील कर रहा है तो हम फंक्शनल स्ट्रेटजीज के सपोर्ट में एक स्ट्रेटजी और पढ़ते हैं, वो क्या है आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज है। तो क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमने ये पढ़ा कि हमें जो स्ट्रेटजी बनानी होगी वो थ्री लेवल के लिए बनानी होगी, टॉप लेवल की कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, मिडिल लेवल के लिए आपका बिजनेस स्ट्रेटजी और लो लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के लिए फंक्शनल स्ट्रेटजी बनानी होगी। और यदि आपका बिजनेस आपका मल्टीपल लाइन है तो वहाँ पे आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज के सपोर्ट में ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जो है वो ये है कि जो हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की थी अब हमें उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को हम इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे हमने लिखा है ए है आपका एक्शन, ई है आपका इफेक्टिवनेस, आई है आपका इंटेलेक्चुअल, फिर आपका यू है इंट्यूटिव और ओ है आपका कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू इंडिविजुअल। तो जो आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन है उनमें डिफरेंस ये है कि जो आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर यदि हम बात करें कि ए ई आई ओ यू अपने क्या हैं, स्वर हैं। तो ये जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हम इनके बेस पर हम ए का मतलब है एक्शन, ई का मतलब इफेक्टिवनेस, आई का मतलब इंटेलेक्चुअल और यू का मतलब इंट्यूटिव और ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझेंगे कि फॉर्मुलेशन के अंदर एक्शन क्या होता है, फॉर्मुलेशन का एक्शन होता है बिफोर एक्शन होता है फॉर्मुलेशन, और ये जो फॉर्मुलेशन होता है जब बिफोर एक्शन होता है तो ये आपका क्या है, पोजिशनिंग फोर्सेस है, जबकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्शन होता है। तो ये क्या होगा, आपका मैनेजिंग फोर्सेस होगा। फिर हम बात करेंगे कि जो आपका ई है इफेक्टिवनेस, जो आपका फॉर्मुलेशन है वो इफेक्टिवनेस पे जोर देता है जबकि इम्प्लीमेंटेशन है एफिशिएंसी पे जोर देता है। फिर हम बात करेंगे आई, आई का मतलब है फॉर्मुलेशन जो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, ऑपरेशनल प्रोसेस है। हम इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, आपका फोर्थ वीडियो जो रहेगा BPSM सीरीज का वो इसमें डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर जब हम बात करते हैं यू का मतलब होता है इंट्यूटिव स्किल्स और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें हमें मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें अपने सबॉर्डिनेट को लीड करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी। और जब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन की तो फॉर्मुलेशन के अंदर जो मेन रोल रहता है वो उसका रहता है टॉप मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो रहता है अमंग फ्यू इंडिविजुअल रहता है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैन इंडिविजुअल के बीच में होता है। तो ये अपनी जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की ये फोर्थ स्टेज थी, इसका नाम क्या था, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द चोजन स्ट्रेटजी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेज की। फिफ्थ स्टेज जो है वो सिमिलर जैसे आप कंट्रोल प्रोसेस पढ़ते हो, कंट्रोल प्रोसेस में जो लास्ट स्टेज रहती है वो ये रहती है कि हम क्या करेंगे, अब हमें मॉनिटरिंग करना है, हमें इवेल्युएशन करना है और हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ऊपर जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी उसके अंदर कहीं रिविजन हमें चाहिए, कहीं हमें कुछ चेंज करना है, तो हम इस स्टेज के अंदर उसको कर सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो फाइव स्टेज प्रोसेस है। अब हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फ्रेम।